हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, शाओमी की सब ब्रांड कंपनी पोको अब फिर से एक और नया स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम होगा पोको M3। इस फोन का मॉडल नंबर और कुछ स्पेक्स Geekbench पर वेबसाइट पर लिस्ट हो गए हैं। वहीं ये फोन अपने पोको M2 का अपग्रेडेड वर्जन होगा या नहीं और इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। गाइस, वैसे पोको कंपनी काफी ज्यादा रीब्रांडेड फोन को लॉन्च करती है जो कि ऑलरेडी चाइना में लॉन्च कर दिए जाते हैं, वहीं अब फिर से ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले Redmi Note 10 का 4G स्मार्टफोन टीना वेबसाइट पर लीक हुआ था, जिसकी सभी स्पेक्स बाहर आ गई थी और अब वही सब स्पेक्स पोको M3 स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल रही हैं। इसमें हमें 6.53 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा जो कि IPS LCD डिस्प्ले होगा, जिसमें की 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। और डिजाइन की बात करें तो सामने की तरफ इस फोन में हमें वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिल सकती है और बैक साइड में हमें न्यू क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें की Redmi ब्रांडिंग की जगह पर पोको की ब्रांडिंग दी जाएगी। बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि इस फोन में हमें Qualcomm Snapdragon 662 चिपसेट दिया जाएगा जो कि Geekbench में भी लिस्ट हो गया है। वहीं Snapdragon 662 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और 2 GHz पर क्लॉक है। अगर बात करें इस चिपसेट की तो ये Helio G80 से बेटर परफॉर्म करने वाला है। वहीं इस फोन में हमें LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी, जिसमें की 4+64GB और 6+128GB स्टोरेज दी जाएगी। साथ में ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 विद MIUI 12 पर रन करेगा। अब बात करें इस फोन के कैमरा की तो यहाँ पर हमें इसके पैक में इस पर एक नया कैमरा हाउसिंग दी जाएगी, जिसमें कि 48 MP का प्राइमरी लेंस होगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो लेंस और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। वहीं इसके फ्रंट में अब हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा भी दिया जाएगा। तो कैमरा हमें पोको M2 से अपग्रेडेड देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। अब बात करें इस फोन के बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पर Redmi Note 10 में हमें 5900mAh की बैटरी मिलती है, बट पोको इसको 6000mAh की बैटरी बोलकर लॉन्च करने वाला है, जिसमें हमें 22.5W की चार्जिंग देखने को मिलेगी। वहीं इस फोन में हमें डुअल बैंड वाईफाई, USB टाइप सी, ब्लूटूथ 5.0, साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये फोन किस कीमत में लॉन्च किया जाता है, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब माइक्रोमैक्स भी काफी धमाकेदार एंट्री कर चुका है और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की स्पेक्स और प्राइस भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। वहीं पोको M3 24 नवंबर को ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा और अगर इंडिया की बात करें तो ये फोन दिसंबर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल सकता है और इस फोन की कीमत 13,000 से कम ही होने वाली है। बाकी आप लोग बताओ कि क्या आप इस फोन को लेना पसंद करेंगे या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसे नए वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।